सावन कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, एक ऐसा योग और संयोग होगा जिसका इंतजार हर कोई करता है। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। सावन का पावन महीना बहुत उत्तम महीना होता है, भगवान शिव की आराधना का महीना होता है। कहा जाता है कि इस महीने के देवता भगवान शिव होते हैं, लेकिन इस महीने के देवता तो भगवान शिव होते हैं, लेकिन ये वो ऐसा अवसर, ऐसा महीना, ऐसा शक्तिशाली महीना होता है जहां आप देवियों शक्तियों से जुड़ने का अवसर, मौका भी आपको सावन के महीने में मिलता है। श्रवण नक्षत्र पर आधारित तो होता है, किसी भी नक्षत्रों पर ही आधारित तो होते हैं हिंदी कैलेंडर के महीने, यानी श्रवण नक्षत्र पर आधारित है श्रावण का महीना और प्रतिपदा तिथि के साथ शुरू हो जाता है सावन का पावन महीना। भोलेनाथ के भक्तों के लिए तो ये सबसे उत्तम महीना होता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त साल भर इंतजार करते हैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए, यानी ये सावन का पूरा महीना डेडिकेटेड होता है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में। बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं भगवान भोलेनाथ भी, और उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्न होते हैं भक्तगण। भाई हो क्यों नहीं कि भोले का महीना आए और भोले इतने भोले हैं कि हर भक्तगण की आवाज को बहुत ही श्रद्धा से सुनते हैं और फिर उन्हें ढेरों आशीर्वाद जो देते हैं। अब ये सावन का महीना कब शुरू हो रहा है, किस तारीख से शुरू होगा और क्या क्या इसमें संयोग और योग बन रहे हैं। देखिए, कोई भी पवित्र पावन महीने जब आते हैं तो भक्तगण पहले से ही उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं, पहले से ही उन्हें मनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये पावन महीना है और इस महीने में कुछ खास चीजें की जाती है। कहते एक वृक्ष भी अगर सावन के महीने में आप लगा देते हैं तो आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। एक ऐसी भक्ति का द्वार अगर आप चुन लेते हैं सावन के महीने में तो आपकी नेगिया पार लग जाती है। चलिए सबसे पहले तो ये महीना किस तारीख से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। 22 जुलाई से शुरू होने वाला सावन का महीना 19 अगस्त में जाकर के समाप्त होगा। श्रवण नक्षत्र से सावन के महीने की शुरुआत होगी और श्रवण नक्षत्र में ही जाकर के सावन का महीना समापन की ओर होगा। सबसे प्रिय दिन होता है भगवान भोलेनाथ की भक्ति का सोमवार का, यानी सोमवार के व्रत करना, सोमवार के दिन आपने भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करना, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना, आराधना करना, तप करना, अनुष्ठान करना सोमवार के दिन ज्यादा उत्तम माना जाता है। सोमवार से शुरू हो रहे हैं इस बार के सावन, यानी भगवान के प्रिय दिन से तो सावन शुरू हो रहा है। तो सोचिए कितना अच्छा योग बनाता हुआ है श्रवण नक्षत्र और
प्रिय दिन भगवान भोलेनाथ का सावन के महीने का पहला सोमवार भी, यानी पहले सोमवार पर ही शुरू होगा सावन का महीना और ये समाप्ति की तरफ जब जाएगा तब कौन सा दिन होगा। चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि नक्षत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो श्रवण नक्षत्र होगा, एक ऐसा योग और संयोग होगा जिसका इंतजार हर कोई करता है। प्रीति योग में सावन के महीने का आना अच्छा और शुभ संकेत देता हुआ है। खास करके पति पत्नी के रिश्तों में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसके लिए बहुत उपाय किए जाते हैं। शादी के योग नहीं बन रहे हो तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं। अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए भी इस महीने में कई तप और उपाय और अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान को मनाने का महीना जो है, बेहद प्रसन्न मुद्रा में जब भगवान भोले होते हैं और उन्हें मनाने का आपको एक सही सटीक तरीका मिल जाए तो सोचिए भगवान कितनी जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाएंगे और मेहरबान भी हो जाएंगे। तो प्रीति योग में सावन के महीने की शुरुआत होना और शोभन योग पर जाकर के, यानी दोनों ही शुभ योगों में सावन महीने की समाप्ति भी और शुरुआत भी हो रही है, दोनों बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोनों दिन सोमवार भी पड़ रहे हैं, यानी आखिरी दिन जिस दिन होगा 19 अगस्त का जो दिन है वो आखिरी दिन होगा सावन के महीने का, तो उस दिन भी सोमवार है। जिस दिन शुरुआत हो रही है उस दिन भी सोमवार है। प्रीति योग से शुरू हो रहा है सावन का महीना और शोभन योग पे जा करके सावन के महीने की समाप्ति हो। अब ये योग भी अच्छे हैं, संयोग भी अच्छे हैं, तो और साथ के साथ 5 सोमवार भी मिल रहे, बहुत उत्तम इस बार का योग और संयोग है। तो आपने इस बार भगवान भोलेनाथ को तो मना ही लेना है, भगवान की भक्ति में रम जाना है, भगवान के अनुष्ठान कीजिए, भोलेनाथ के आगे अपनी क्षमा याचना कीजिए। अगर किसी भी तरीके की कोई भूल चूक हुई है तो कहते हैं भगवान इतने भोले हैं कि आपकी मात्र भक्ति से ही मान जाते हैं। अब बारी आ गई आपकी कुंडली देखने की, जो हमने प्रॉमिस किया था कि जिसका प्रश्न सबसे अच्छा होगा या फिर जो कमेंट अच्छे से करेगा, जो डिटेल में अपने बारे में जानना चाहेगा उसके प्रश्नों को लिया जाएगा। सप्ताह में एक बार हर शनिवार को हम आपकी कुंडली देखेंगे। तो आप सभी जो लोग भी नए जुड़े हैं आप अपने प्रश्न डालिए, अच्छे कमेंट्स डालिए और साथ के साथ अपनी डिटेल डालिए। जो लकी विजेता होगा वो शनिवार की वीडियो में अपनी कुंडली को जान सकते हैं। अब इस बार जो हमने सिलेक्ट किए हैं विनर, वो उन्होंने कहाँ डिटेल डाली थी, उन्होंने हमारी एक वृश्चिक राशि की वीडियो डाली थी हमने, जो कि प्रोफेशन की वीडियो थी कि कौन सा प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, क्या सिर्फ नाम राशि से चूज कर लेना चाहिए, नहीं नक्षत्रों के हिसाब से भी हमारे कॉम्बिनेशन हमें देखने चाहिए। जो मेरी वृश्चिक राशि की वीडियो थी और भी लोग अगर वृश्चिक राशि के तो आप लोग भी देख सकते हैं प्रोफेशन की वीडियो। तो जो वृश्चिक राशि में वीडियो में जिन्होंने अपना कमेंट डाला था वो है नरेंद्र जी ने अपना कमेंट डाला कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और मैं रिटायर होकर के वापस आ रहा हूँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी कि आप लकी विजेता है, इस शनिवार आपकी कुंडली देखी जाएगी और हम चाहेंगे कि आप बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जो हैं हमारे साथ जुड़े और अपना प्रश्न डालें और साथ के साथ शनिवार को अपनी कुंडली भी जान सके। नरेंद्र जी, आपको जो आपके हिसाब से, अगर हम न के हिसाब से चलते हैं तो वृश्चिक राशि, लेकिन न के हिसाब से कुछ आपके नक्षत्रों का भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, अनुराधा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन आ जाता है। यानी अगर के हम राशि स्वामी की बात करते हैं तो वो मंगल है, क्योंकि आपकी डिटेल प्रॉपर नहीं है इसीलिए हम आपके नाम अक्षर से चल रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया इनका, मतलब मंगल भी है और इसमें शनि भी है,
तो जब आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके का काम आगे करना चाहिए, देखिए जो रियल स्टेट के कार्य होते हैं, अगर आप उनके साथ कहीं कोलैब कर सके या कोलैबोरेशन करके, या फिर आप बहुत छोटे स्केल पे भी अपने बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, और वो भी रियल स्टेट में, जैसे जो चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे ईंट का इस्तेमाल होता है, बदरपुर का इस्तेमाल होता है, रेत का इस्तेमाल होता है, और ऐसे मसाला जो बनाते हैं वो मशीनरी का उसका इस्तेमाल होता है, तो ये कुल मिलाकर क्योंकि शनि भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, चाहे आप मशीनरी डाल लीजिए जो बिल्डिंग बनाने वाली है, चाहे आप ये मटेरियल डाल लीजिए, ये दोनों चीजें आपको अच्छा फायदा दे सकती हैं। जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़े स्केल का हम लोग ये किसी भी बिजनेस को शुरू कर सके, हर किसी की पहुंच जो है बहुत बड़े स्केल का, लार्ज स्केल का बिजनेस करने की नहीं होती, बट हाँ जो भी आप करें चाहे स्मॉल स्केल से शुरू करिएगा, लेकिन आपका धीरे 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 काम जो है वो बढ़ने लगेगा, ग्रो होने लगेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि शनिवार को शनि पूजा जरूर करें, और शनिवार को कुछ डोनेट कर सके बहुत अच्छा रहेगा, और मंगलवार को आप भगवान गणेश को 5 लड्डू का भोग लगा करके, और उनमें से कुछ लड्डू आप अपने घर के सारे सदस्य भी खा सकते हैं, और कुछ लड्डू जो है वो छोटे बच्चों में आपको बांट सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को कीजिएगा ताकि आपका काम अच्छे से चले, आप बहुत अच्छे से ग्रो करें, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हम जरूर कहेंगे कि और भी लोगों को आप ये शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। तो अब अगले शनिवार कौन विजेता होगा उसके लिए आपको मैसेज डालना पड़ेगा, मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, और पूरे सप्ताह की वीडियो में से कोई भी सिलेक्शन हो सकता है, तो नेक्स्ट सैटरडे का इंतजार कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने कंटेंट की तरफ, अपने विषय की तरफ। एक सिर्फ बेल पत्र से मानने वाले भगवान, उन्हें आपकी बहुत सारा सामान नहीं चाहिए, उन्हें आपके भाव चाहिए। अच्छे भाव से आप व्रत कीजिएगा, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा करने का विचार भी मन में नहीं लाना है। जरूरी नहीं है कि बुरा किया तब आपके साथ ही कुछ कुछ होगा, जब आप विचार भी लाते हैं तो भी आपके जो कदम है उस पथ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छी एनर्जी क्रिएट करनी है, अच्छे भाव रखने हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। 16 सोमवार के अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन के महीने में कर सकते हैं, या फिर पूरे 5 सोमवार के अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आपको कई व्रतों का फायदा मिलता है, कई व्रतों का लाभ मिलता है, और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान की भोले की भक्ति में दम चाहिए, और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। आपका दिन भी अच्छा रहेगा, आपका महीना भी अच्छा रहेगा, आपका साल भी अच्छा रहेगा। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो हम हमेशा शांत और पॉजिटिव रहते हैं। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और तैयारियां कर लीजिए भगवान भोलेनाथ को मनाने की। 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक का ये जो समय है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति कीजिए। हमें कहा ना, देवीय शक्तियों को हासिल करने का, देवीय शक्तियों को आपने अपने पास बुलाने का ये सुनहरा अवसर होता है, या फिर कहें कि देवीय शक्तियों के नजदीक जाने का ये समय होता है, बहुत शुभ समय होता है। ऐसे में खूब भक्ति कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हासिल होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।